नमस्कार, मैं माया देवी माँ की पाकशाला में आप सभी को स्वागत है। आज नई वीडियो लेकर आई हूँ पालक पनीर। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए तो मैं दिखाती हूँ पालक पनीर बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए मुझे पालक, जो कि पालक मैं नंडल लिए, इसके डट्टी को हटा दिए हैं, पालक को धो कर रख दिए हैं। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच जीरा और काली मिर्च पाउडर, दो चम्मच बटर, एक चम्मच देसी घी, एक चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, मुझे इतना ही चीज़ चाहिए। सर तो मैं गैस ऑन कर लेती हूँ, कढ़ाई को बिठा देती हूँ, इसमें डालती हूँ पानी। जो पालक है पानी को थोड़ा गर्म होने दे रही हूँ, पालक को मैं डाल देती हूँ इसमें बॉइल करने के लिए। बॉयल होने के लिए इसको 5 मिनट तक मैं बॉयल करूँगी, 5 मिनट में ही हो जाएगा, तो 5 मिनट में इसको निकाल लूँगी। मैं गैस को मैं बंद कर देती हूँ, मेरा पालक हो गया। अब इसको मैं निकाल देती हूँ और 5 मिनट के लिए रखूँगी ठंडा होने के लिए, 5 मिनट तक रखूँगी, ठंडा हो जाएगा। अब इसको ग्राइंडर करूँगी, पीस लूँगी। देखिए पालक पीस लेती हूँ, पालक को ये जो हमने उबाले थे वो पालक, उसका पानी रखी हूँ, पानी को फेंकूंगी नहीं, क्योंकि पालक के जूस बनाकर पिया जाता है इस तरह का, तो ये जो फेंक देंगे तो इसका विटामिन जो है सब खत्म हो जाएगा, इसलिए इसी में मैं ग्राइंडर करूँगी। पिसा गया, उसको मैं निकाल देती हूँ। देखिए पिस गया मेरा पालक, पिस गया, बढ़िया से ग्राइंडर हो गया। गैस से मैं ऑन कर देती हूँ, कढ़ाई को उठा देती हूँ। अब एक चम्मच में डालती हूँ घी, घर का देसी घी है, रखी थी मैं, इसी को डाल रही हूँ। फिर मैं डालती हूँ जीरा, जीरा को मैं चटकने देती हूँ। जीरा मैंने चटक के मैं पनीर का पानी से धो करके मैं डाल दी थी, जिसको गैस में बच गया उसको भी मैं धो करके डाल दी। अब मैं इसको पकाऊंगी, 10 मिनट तक इसको पकाऊंगी मैं। छोड़ देती हूँ पकने दे रही हूँ। मैं काजू को भी कूट दे रही हूँ, मैं ही बारीक कूट दे रही हूँ, क्योंकि लाइन कट गई है तो मैंने ग्राइंडर कर दी, इसी में कूट ले रही हूँ। मेरा काजू भी कूट गया, इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, काली मिर्च पाउडर जो रखी थी उसको भी मैं डाल दे रही हूँ। इसमें जो लाल मिर्च पाउडर रखी थी इसको भी मैं डाल दे रही हूँ। सबको मैं चला दे रही हूँ। ये पनीर है इसको भी मैं डाल दे रही हूँ, पनीर को भी मैं डाल रही हूँ। पनीर को कच्चे में रखी हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है,
चाहे तो आप इसको तल कर भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली हूँ। इसको थोड़ा चला दे रही हूँ मैं, इसमें मैं डालूंगी अब नमक, नमक स्वाद अनुसार। ये जो काजू मैं रखी थी उसको भी मैं डाल दे रही हूँ। सारी चीज़ मैंने मिला दिया, तो 5 मिनट तक मैं पकने दे रही हूँ। पनीर थोड़ा पक गया मेरा, जो बटर की मैं रखी थी उसको थोड़ी से डाल दे रही हूँ, और थोड़ी मक्खन मैंने बचा ली है बटर। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने बटर डाला, मैंने तेल नहीं डाला, मैंने बटर से और घी से बनाया। अब गैस को मैं बंद कर देती हूँ, ये मेरा बनकर तैयार हो गया, इसको मैं निकाल देती हूँ। ये लीजिए पनीर पुलिंग गर्मा गर्म बनकर तैयार हो गया मेरा। अब इसको रोटी में खाइए, पराठे में खाइए, पूड़ी में खाइए, चावल में खाइए, और घर में भी बनाइए, घर में इस तरह खाइए। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।